एक बार की बात है, सीतापुर गांव के एक स्कूल के 11th क्लास के सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। वो चुपचाप शांति से क्लास में बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि क्लास टीचर के आ जाने के बाद क्या होने वाला है। वो सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। कुछ समय बाद क्लास टीचर चांदनी मैम आ जाती है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा, अब मुझे बताओ कि प्रिंसिपल मैम के केबिन से क्वेश्चन पेपर चुराने की कोशिश किसने की थी? खुशबू, हमारी तो कोई गलती भी नहीं, फिर हम इस तरह से शांत क्यों बैठे हुए हैं? मनारा, ये बात तू अच्छी तरह से जानती है कि चुप रहने में ही हमारी भलाई है। खुशबू, मनारा, तुम दोनों खड़े हो जाओ। मैं बहुत समय से देख रही हूँ कि तुम आपस में बातें कर रही हो, इसका मतलब तुम जानती हो। चलो बेटा, शाबाश, बताओ क्वेश्चन पेपर किसने चुराने की कोशिश की? खुशबू और मनारा कांपते हुए अपनी जगह पर खड़े हो जाती हैं। वो झूठ बोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका झूठ ज्यादा समय तक चल नहीं पाता और उन्हें सच्चाई बतानी पड़ती है। चांदनी मैम, हमने कुछ नहीं किया। हम सब बच्चे तो इसलिए शांत हैं क्योंकि सोनाली ने हमें धमकी दी थी। उसने कहा था अगर हमने सच बताया तो वो हमारे साथ कुछ भी कर सकती है, और आप तो जानती ही हैं कि सोनाली प्रिंसिपल मैम की बेटी है, इसलिए हम सब बच्चे चुप थे। सभी बच्चे दोनों के लिए क्लैपिंग करो। खुशबू और मनारा, मुझे खुशी है कि तुमने सच बोला। जाओ बेटा, अपनी जगह पर बैठ जाओ। तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है, देखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सोनाली, बस बहुत हो गया, चलो मेरे साथ। चांदनी मैम सोनाली को प्रिंसिपल मैम के पास लेकर जाती है और उन्हें सारी सच्चाई बता देती है। यह सुनकर प्रिंसिपल मैम को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी को थप्पड़ मार कर कहती है, सोनाली, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें तो मुझे अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है। अब तुम इस स्कूल में और नहीं पढ़ोगी, अब तुम अपनी नानी के पास जा रही हो, समझी? मम्मी, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, मैं नानी के पास नहीं जाऊंगी। आप जानती है ना, मैं वहाँ कैसे रह पाऊंगी? नहीं, मुझे नानी के पास नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। प्लीज मुझे और कोई सजा दे दीजिए। सोनाली को स्कूल से निकाल दिया जाता है। सोनाली बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन की बात है, खुशबू और मनारा लाइब्रेरी में बैठी हुई पढ़ाई कर रही थी। तभी खुशबू को ऐसा लगा जैसे उसने लाइब्रेरी में काला साया महसूस किया हो। मनारा, मैंने अभी एक परछाई देखी, लेकिन वो अचानक से गायब हो गई। क्या तूने भी लाइब्रेरी में कोई परछाई देखी? खुशबू यार, एग्जाम आने वाले हैं, इस समय कैसे बातें कर रही है? हमें पढ़ाई करनी चाहिए। लाइब्रेरी में कोई आया होगा और वो वापस चला गया होगा, तूने बस वही परछाई देखी होगी। इसमें डरने वाली और घबराने वाली कौन सी बात है? तू तो ऐसे पूछ रही है जैसे न जाने क्या हो गया हो। वो परछाई इंसान की नहीं लग रही थी, बहुत अजीब सी लग रही थी। शायद उसके बाल बिखरे हुए थे, शायद उसके नाखून भी लंबे लंबे थे, शायद वो कोई चुड़ैल थी। खुशबू, तू मुझे डिस्टर्ब कर रही है। देख, ऐसी उल्टी सीधी बातें मत कर, हम यहाँ पढ़ाई करने बैठे हैं और तुम यहाँ ये क्या अनाप शनाप बातें कर रही है? चुपचाप आराम से पढ़ाई कर और मुझे भी करने दे। ओह, मुझे लगता है तेरा पढ़ाई का मन नहीं, इसलिए ऐसा मजाक कर रही है। मैं जा रही हूँ, ठीक है? मनारा को लग रहा था जैसे खुशबू झूठ बोल रही हो और वो लाइब्रेरी से बाहर आ जाती है। 2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन खुशबू अभी तक लाइब्रेरी से वापस नहीं आती। मनारा को खुशबू की चिंता होने लगती है और वो 2 घंटे बाद लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ जाकर जो कुछ देखती है वो देखकर उसकी चीख निकाली जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खुशबू, खुशबू आंखें खोलो, तुम्हें क्या हुआ है? खुशबू आंखें खोलो। चांदनी मैम, प्रिंसिपल मैम, जल्दी से यहाँ आइए, देखिए खुशबू के साथ क्या हुआ है। इसका शरीर काला क्यों पड़ता जा रहा है? खुशबू, खुशबू तुम्हें क्या हुआ है?
मनारा जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसका रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले खुशबू बिल्कुल ठीक ठाक उसके साथ बैठकर पढ़ाई कर रही थी और अब उसका शरीर फर्श पर पड़ा हुआ था। शरीर से खून बह रहा था और उसका पूरा शरीर काला पड़ चुका था। यह देखकर मनारा को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और वो बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी। कुछ समय बाद चांदनी मैम लाइब्रेरी में आ जाती है। मनारा, तुम इस तरह से फोट फोट कर क्यों रो रही हो? कोई मर गया है क्या? तुम्हें पता भी है तुम्हारे शोर की आवाज कहाँ तक जा रही है? खुशबू की डेड बॉडी कहाँ है? वो अभी यहाँ फर्श पर पड़ी हुई थी। उसकी डेड बॉडी काली पड़ चुकी थी। चांदनी मैम, खुशबू की डेड बॉडी कहाँ है? मनारा, यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? चांदनी मैम, कुछ तो गलत हुआ है। आपको पता है, हम दोनों यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। अचानक खुशबू ने लाइब्रेरी में काला साया देखा। वो कह रही थी कि वो काला साया बहुत डरावना और खतरनाक था। लगता है उसकी जान उस काले साये ने ही ली है और उसी ने उसकी डेड बॉडी को कहीं छुपाया है। चांदनी मैम, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी बात का विश्वास कीजिए। अभी कुछ समय पहले यहाँ खुशबू की डेड बॉडी पड़ी थी, जो पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। मनारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है पढ़ पढ़कर तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मनारा बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उसने अपनी आंखों से खुशबू की डेड बॉडी देखी थी और वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। जब वो चांदनी मैम के साथ क्लास में जा रही थी तो तभी उसे स्कूल में काला साया नजर आता है। चांदनी मैम, रुकिए, देखिए, मैंने स्कूल में काला साया देखा, जैसा खुशबू ने बताया, बिल्कुल वैसा ही। वो काला साया बहुत ही ज्यादा डरावना और खतरनाक है। चांदनी मैम, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हैं? रुकिए रुकिए, मेरी बात सुनिए, देखिए वो काला साया कितना ज्यादा खतरनाक है। बेचारी मनारा चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन चांदनी मैम को तो उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। मनारा चांदनी मैम के पीछे नहीं जाती और वो काले साये के पीछे चल देती है। उसका पीछा करते करते मनारा एक क्लास में पहुंच जाती है। वहां जाकर जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि खुशबू कुछ स्टूडेंट्स के साथ वहां बैठकर लूडो खेल रही थी। खुशबू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये कौन है? इन बच्चों को तो मैंने आज से पहले इस स्कूल में कभी नहीं देखा। खुशबू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मनारा, यह मेरे नए दोस्त हैं। लेकिन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्योंकि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। अब तुम यहाँ आ गई हो तो हम बहुत मजे करेंगे। देखो, आओ हमारे साथ लूडो खेलो, बहुत मजा आ रहा है। खुशबू, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये तुम कैसे बातें कर रही हो? मैंने अभी कुछ समय पहले लाइब्रेरी में तुम्हारी डेड बॉडी देखी, जो पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी और अचानक वो वहाँ से गायब हो गई। तुम्हें पता है, जिस काले साये की तुम बात कर रही थी, मैंने उसे देखा। वो यहीं इस तरफ आया था। वो बहुत खतरनाक था। खुशबू, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है। चारों तरफ खून के धब्बे ही धब्बे। यह क्लास बहुत ज्यादा गंदी है। तुम यहाँ सांस कैसे ले रही हो? शुरू शुरू में ऐसा होता है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें यहाँ अच्छा लगने लगेगा। मुझे सब अच्छा लगने लगेगा? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मैं यहाँ नहीं रहने वाली और तुम भी यहाँ नहीं रहोगी। चलो मेरे साथ, चांदनी मैम की क्लास है। ये तो प्रिंसिपल मैम की बेटी सोनाली है ना? सोनाली, तुम तो अपनी नानी के घर जयपुर जा चुकी थी, फिर तुम यहाँ कैसे?
जब मैं जिंदा थी तो मैं तुमसे नफरत करती थी और मैं तुमसे बदला भी लेना चाहती थी, लेकिन अब तो हम मर चुके हैं तो अब हम दुश्मनी भूल जाते हैं, दोस्त बनकर एक साथ रहते हैं। सोनाली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम मर चुके हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तुम दोनों क्या कह रही हो? मनारा के इतना कहते ही सोनाली, खुशबू और वहाँ बैठे सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा डरावने लगने लगते हैं, क्योंकि उनकी आंखें लाल खतरनाक चमकने लगती हैं, वो अजीब अजीब सी आवाज निकालने लगते हैं और कुछ समय बाद उस क्लास में भूतिया डरावनी आवाज आने लगती हैं, पायल की छम 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 आवाज आती है और वो सभी स्टूडेंट्स लाइन में लग जाते हैं। वो आ रहे हैं। खुशबू के इतना कहते ही एक काला साया मनारा के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना और खतरनाक था, और वो खुशबू से कहता है, मैं इस स्कूल का खतरनाक डरावना काला साया हूँ, और जो मुझे एक बार देख लेता है वो मेरा शिकार हो जाता है। यह सब स्टूडेंट्स वही हैं जिसने मुझे देखा, और उनमें से एक तुम भी हो, तुमने मुझे देखा और तुम मेरा शिकार हो गई। और उसके बाद मनारा की डेड बॉडी उसके सामने लाई जाती है। उसकी डेड बॉडी भी खुशबू की तरह पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। यह देखकर मनारा के तो होश उड़ जाते हैं, वो थरथर कांपने लगती है। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मर चुकी है और वो भूत बन चुकी है। यह देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। मैं मर चुकी हूँ, ये मेरी डेड बॉडी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर नहीं सकती। मैंने मेरी माँ से वादा किया था कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी और उनका इलाज करूंगी और फ्री में गरीबों का भी इलाज करूंगी। मैं अभी नहीं मर सकती, मुझे अभी पढ़ना है, मुझे डॉक्टर बनना है। यह सब झूठ है, यह सब झूठ है। मैं मरी नहीं हूँ, मैं मरी नहीं हूँ। जिस समय तुमने मुझे देखा उसी समय तुम मेरा शिकार हो चुकी थी। तुम सब मेरी मंडली में शामिल हो चुके हो और अब तुम्हें मेरी तरह रहना होगा, और इस स्कूल में जो कोई तुम्हें देखेगा तुम्हें उसका शिकार करना होगा और उसे मेरे पास लेकर आना होगा। और इतना कहकर वो काला साया वहाँ से अदृश्य हो जाता है। मनारा से उस क्लास में बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा था। खुशबू और चांदनी उसे समझाती हैं कि अब उसे यहाँ रहना होगा और उन्हें काले साये की बात माननी होगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन काला साया एक चुड़ैल के साथ उस क्लास में आता है और वो उन सभी स्टूडेंट से कहता है, हमें जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ चुका है। अब हम इस स्कूल के सभी बच्चों को अपना शिकार करने के लिए तैयार हैं। आज रात 12 बजे इस स्कूल के सभी बच्चों को हम अपना शिकार बना लेंगे और इसके बाद हमसे ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल कोई नहीं होगा। हम जहाँ चाहेंगे जिसे चाहेंगे उसे अपना शिकार बना पाएंगे। खुशबू, मैं इस चुड़ैल की और इस काले साए की बात नहीं मानूंगी, मैं बच्चों का शिकार नहीं करूंगी, कभी नहीं। मैं मर चुकी हूँ लेकिन मरने के बाद भी मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगी, कभी नहीं। यह सब हमारे हाथ में नहीं, हम इनके गुलाम हैं, ये जैसा कहेंगे हमें वैसा करना होगा।
मनारा की बात चुड़ैल सुन लेती है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो मनारा के ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती है। मनारा को दर्द हो रहा था और तभी वो चुड़ैल से कहती है, ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। चुड़ैल को खुशी होती है कि मनारा ने भी उसकी बात मान ली। चुड़ैल और वो काला साया उन सभी स्टूडेंट्स को समझा देते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। रात के 12 बजने से पहले मनारा इस स्कूल से बाहर निकलती है और वो सीधा प्रिंसिपल मैम के पास जाती है और उन्हें स्कूल की सारी काली सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर वो कहती है, यह तुम क्या कह रही हो? मैम, हमारे पास बहुत कम समय है। अगर 12 बज गए तो वो काला साया और वो चुड़ैल उन सभी बच्चों की बलि चढ़ा देंगे। 12 बजने में अभी 1 घंटा बाकी है। जल्दी जल्दी कुछ कीजिए। प्रिंसिपल मैम एक तांत्रिक बाबा को जानती थी और वो तुरंत उन्हें अपने साथ स्कूल में लेकर जाती हैं। वो काला साया और चुड़ैल तपस्या कर रही थी, तभी तांत्रिक बाबा उन्हें अपने वश में कर लेते हैं और जैसे ही वो उन्हें अपने वश में करते हैं, सभी स्टूडेंट्स पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि तुम मरे नहीं हो? यह सब एक छलावा है। शक तो मुझे पहले से ही हो रहा था, लेकिन मेरा शक यकीन में उस समय बदला जिस समय तूने मेरे ऊपर वार किया। आत्माओं को तो दर्द होता ही नहीं, उन्हें तो चोट पहुंचती ही नहीं, और उसी समय मैंने ये फैसला किया तुम्हें सबक सिखाने का। और उसके बाद वो तांत्रिक बाबा उन दोनों का सर्वनाश कर देते हैं। सोनाली खुशबू और वो सभी स्टूडेंट्स जो काले साए के जाल में फंस चुके थे, वो सब मनारा को धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही वो जादू टोना से बाहर निकलकर आए थे। और उसके बाद प्रिंसिपल मैम सभी बच्चों से कहती हैं, यहाँ जो कुछ हुआ वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और बच्चे मैम से वादा करते हैं कि वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और इस तरह मनारा की समझदारी से सभी बच्चे एक झूठ से बाहर आ जाते हैं।